भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। तहसील बड़ौत क्षेत्र के बावली गांव में श्री सुरेंद्र ठेकेदार के आवास पर नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में 350 लोगों के नेत्रों की जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां व चश्मे भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा व दिल्ली से आए चिकित्सकों की टीम में डॉक्टर वीके गोयल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर रीना तोमर व डॉक्टर वाईपी आदि ने 350 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क चश्मे व दवाइयां वितरित की। सुरेंद्र ठेकेदार ने बताया कि हम पिछले लंबे समय से प्रति वर्ष यह चिकित्सा नेत्र शिविर का आयोजन कराते आ रहे हैं। आज फिर हमारे यहाँ पर नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें गरीबों को चश्मे भी वितरित किए गए। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, लोग सुरेंद्र सिंह ठेकेदार के नाम है। हाँ, 21वां आई और मेडिकल कैंप लगवाया है पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और ये 2 साल बाद लगवा क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल कैंप नहीं लगा पाए। कितने लाभार्थी आ जाते हैं जिस कैंप? लगभग जो है करीब 800-900 के करीब पेशेंट आएंगे, उनमें से लगभग 350 चश्मे बांटते हैं फ्री जरूरतमंद को और 70-80 उनमें चयनित करते हैं ऑपरेशन के लिए, जिनको यहाँ से हम अपनी गाड़ी से दिल्ली लेकर जाएंगे। आरएमसी हॉस्पिटल है वहाँ उनका ऑपरेशन करा के अपनी गाड़ी से गांव में छोड़ देंगे और फिर 3 दिन बाद डॉक्टर की टीम आएगी दोबारा से, उनको सभी को दोबारा फिर देखेगी। ये प्रक्रिया हम शुरू से कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि अपने डॉक्टर सत्यपाल सिंह है जो कि हमारे इस कैंप में शुरू से जुड़े हुए हैं। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, पुलिस कमिश्नर मौके थे, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।